अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर। तो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइस, इस वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो Q&A वीडियो है। आज की वीडियो में आपको मेरे मुतालिक और इंजेक्शन मेहंदी वर्क से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन थे उन तमाम क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग गाइस। तो गाइज, अगर YouTube चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर पे पहली बार हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो YouTube चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी इंजेक्शन मेहंदी लेक्चर्स और इंजेक्शन मेहंदी ट्यूटोरियल्स की वीडियोस के लिए। तो गाइज, चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन मुझे बार बार आता है कि आप किसके हैंड पे मेहंदी की वीडियो शूट करती हैं। कभी मैं अपने हैंड पे भी शूट कर लेती हूँ या अपनी सिस्टर के हैंड पे भी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे रिलेटेड है और वो क्वेश्चन ये है कि आप किस सिटी से हैं, या अक्सर जो आउट ऑफ कंट्री से मेरी ऑडियंस है वो मुझे पूछ रही होती है कि आप किस कंट्री से हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में मैं जो सिटी है वो लाहौर सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिस्टर का आया हुआ है जो कि जर्मन से हैं और उन्होंने पूछा हुआ है कि जर्मन में बारीक शुगर मिलती है तो क्या बारीक शुगर से इंजेक्शन मेहंदी में यूज़ होने वाला अर्क बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप कोशिश करें कि आपको दूसरी वाली शुगर मिल जाए, लेकिन अगर आप बारीक शुगर से भी अर्क बनाना चाहें तो उसमें ये है कि जो आपकी अर्क की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम निकलेगी। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप पत्ती और गुड़ का भी जो अर्क है ना वो आप बना के इंजेक्शन मेहंदी के लिए यूज़ कर सकती हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंजेक्शन मेहंदी का जो कलर है वो कितने दिन तक रहता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंजेक्शन मेहंदी का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि जिसको इंजेक्शन मेहंदी लगाई गई है उसकी स्किन टाइप कैसी है। तो कुछ लोगों की स्किन पे 3 दिन तक जो है ना वो रहता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे भी, ठीक है। और कुछ लोगों की स्किन पे वीक तक रहता है या वीक से ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि डिपेंड करता है कि आपका इंजेक्शन मेहंदी का मटीरियल जो है वो कैसा है। और थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मेहंदी लगाने के बाद आप कितना काम कर रहे हैं, आपका हाथ जो है वो पानी में कितना ज़्यादा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये है कि मेहंदी का कलर जो आपके हाथ पे है ना वो स्टे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या इंजेक्शन से मेहंदी खुद ब खुद निकलती है। तो इस पर पहले भी मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स हैं तो ये पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इंजेक्शन में जो मेहंदी ऐड होती है वो लिक्विड होती है, और हम इंजेक्शन की बैग पे कुछ भी नहीं लगाते। जब हम इंजेक्शन के अंदर लिक्विड मेहंदी बना के फिल करते हैं तो वो खुद ब खुद इंजेक्शन से निकलती है, ठीक है। तो लिक्विड आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेहंदी बनाते हुए पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा वो इंजेक्शन में जब आप ऐड करेंगे तो वो इंजेक्शन की जो निडल होती है उसमें वो फंस जाएगा और आपकी प्रॉपरली इंजेक्शन से मेहंदी नहीं निकलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप कलर फिक्सर बनाना क्यों नहीं बताती। तो बेसिकली कलर फिक्सर मैं इसलिए आपको बनाना नहीं बताती कि इसको बनाना हार्श हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली मैं खुद भी इसकी मेकिंग नहीं करती। तो लास्ट वीडियो जो मैंने इंजेक्शन मेहंदी मटेरियल से रिलेटेड अपलोड की थी तो उसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि इंजेक्शन मेहंदी में जो यूज़ होता है कलर फिक्सर उसको बनाना हार्श हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी वीडियो देख के तो आप कंटिन्यू कर देते हैं बिना जाने बिना सोचे कि इसका आपकी स्किन पे रिएक्ट भी हो सकता है। तो काइंडली प्लीज़ ऐसी वीडियो को फॉलो ना किया करें, और कलर फिक्सर बेटर है कि आप किसी से बाय कर लें, किसी एक्सपर्ट से बाय करें, कलर फिक्सर को बनाने की कोशिश खुद ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार मुझे कमेंट्स में आता है कि आपका नंबर क्यों बंद होता है, आपकी हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपका नंबर नहीं मिलता, आपका नंबर बंद होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो आउट ऑफ कंट्री से लोग हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी कॉन्टेक्ट करना है तो आपने पाकिस्तानी कोड नंबर के अंदर ज़रूर ऐड करना है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर भी ऑन होगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि मेरा एक ही ऑफिशियल नंबर है
जो कि मैं वीडियो के अंदर ऐड करती हूँ, तो आपने इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। इसके अलावा मेरा कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार कमेंट्स में पूछा जाता है वो ये है कि जी आपकी हमारी इंजेक्शन मेहंदी ठीक नहीं बनती। तो उसमें भी दो तीन चीज़ें हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पे ये चीज़ आती है कि डिपेंड करता है कि आपका इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल कैसा है, एक्सपायर्ड तो नहीं है, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी मेहंदी ठीक नहीं बनती। तो ये भी हो सकता है कि मेहंदी की मिक्सिंग के दौरान आपने कोई मिस्टेक की हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एक सिस्टर ने कि क्या हम आम कोई भी कोन मेहंदी इंजेक्शन मेहंदी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, आप कोई भी केमिकल कोन मार्केट की उठा के इंजेक्शन मेहंदी नहीं बना सकते। आपने ऑर्गेनिक मेहंदी ही यूज़ करनी है इंजेक्शन मेहंदी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिस्टर ने पूछा हुआ है और वो ये है कि क्या इंजेक्शन मेहंदी में यूज़ होने वाला अर्क बनाकर स्टोर किया जा सकता है, और अगर स्टोर किया जा सकता है तो कितने टाइम तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं? जब आपने अर्क बना लेना है तो आप उसको एयर टाइट बॉटल में सेव करके रख लें और अप्रोक्सीमेटली भी एक साल तक आप इजीली जो अर्क है उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। एक साल तक की अर्क जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो नेक्स्ट एक सिस्टर ने टू क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा हुआ है कि जिस इंजेक्शन से आप मेहंदी लगाती हैं क्या वो हैंड पे मेहंदी लगाने के दौरान ज़ख्म नहीं करता, उसकी जो नोक है वो तो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जिस इंजेक्शन से हम मेहंदी लगाते हैं ना वो आम जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है वो वाला इंजेक्शन नहीं होता, ठीक है जी। ये एक स्पेशल किस्म की नीडल होती है जिसको हम रेडी करते हैं, तो ये बहुत स्मूथली हैंड पे जो है ना वो लगती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये स्किन पे जख्म करे। तो सेकंड क्वेश्चन इस सिस्टर ने ये पूछा हुआ था कि जिस इंजेक्शन से आप मेहंदी लगाती हैं आपका हाथ नहीं थकता बैक से पुश कर कर। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जिस इंजेक्शन से हम मेहंदी लगाते हैं उसकी बैक पे हम कुछ भी नहीं लगाते। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों इंजेक्शन दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये वो वाला इंजेक्शन है जिससे हम मेहंदी लगाते हैं, ठीक है। ये मैं इसकी टिप भी अगर आपको क्लियरली दिख रही हो तो इसकी टिप दिखाती हूँ। तो ये वो इंजेक्शन है जिससे हम मेहंदी लगाते हैं और इसकी बैक पे कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। सिंपली हमने इसके अंदर मेहंदी को फिल करना है और हमने मेहंदी लगाते जाना है, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं जी ये वाली सिरिंज जो कि आम मार्केट की सिरिंज है, ठीक है जी। तो ये सिरिंज आप देख सकते हैं ये इसकी बैक पर लगा है। अब इनका पूछने का मतलब है कि ये जो आप इसकी सिरिंज की बैक पर लगाती हैं और फिर पुश करके तो मेहंदी लगाती हैं तो आपके हाथ थक नहीं जाते, तो बेसिकली ऐसा है ही नहीं है। इसके अंदर सिंपली हमने मेहंदी को ऐड करना है, लिक्विड मेहंदी को, वो खुद ब खुद इंजेक्शन से निकलती जाएगी, स्मूथली निकलेगी और हमने जो है वो मेहंदी को लगाते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिस्टर ने पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है कि इंजेक्शन मेहंदी में अर्क कौन सा यूज़ करना है। तो चाय बनाने के लिए हम कावा बनाते हैं चीनी पत्ती का, क्या वो यूज़ कर सकते हैं या फिर जो स्टीम वाला हम एक नेचुरल तरीके से अर्क निकालते हैं वो यूज़ करना है? बेसिकली आपने इंजेक्शन मेहंदी के अंदर जो अर्क बनाना है इस्तेमाल करने के लिए जो नेचुरल तरीके से चीनी पत्ती का स्टीम वाला अर्क निकलता है आपने वो इंजेक्शन मेहंदी बनाने के लिए यूज़ करना है। जो आम हम कावा बनाते हैं चाय के लिए वो इंजेक्शन मेहंदी के अंदर यूज़ नहीं होता। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यकीन जाने कि जो आपके कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है वो ये है कि इंजेक्शन मेहंदी बनाने के बाद जब हैंड पे एप्लीकेशन की जाती है तो वो फैल क्यों जाती है? तो बेसिकली इसकी वजह ये है कि आपकी मेहंदी इस वजह से फैलती है कि आप उसमें अर्क बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो फैल जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन मेहंदी की कंसिस्टेंसी जो है वो पतली नहीं करनी ताकि आपकी मेहंदी हैंड पे एप्लीकेशन करने के बाद फैले ना। तो गाइस जो बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम इंजेक्शन मेहंदी बना रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इंजेक्शन मेहंदी की कंसिस्टेंसी को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंजेक्शन मेहंदी की मिक्सिंग की शेयर करूँगी और उसमें कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी
जिससे बिगनर्स बड़ी आसानी से इंजेक्शन मेहंदी अगर उनकी थोड़ी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार कमेंट्स में आता है, बार बार जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे पूछ रही होती है कि इंजेक्शन मेहंदी हम किस तरह से ऑर्डर करें, अवेलेबल है? तो सबसे पहले तो आप इंजेक्शन मेहंदी मेरे पेज से ऑर्डर कर सकते हैं, अवेलेबल है। और ऑर्डर का आप पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से ऑर्डर करें, तो ऑर्डर के लिए आप, मैं वीडियो में नंबर ऐड कर दूंगी, इंस्टाग्राम अकाउंट फातिमा मेहंदी पॉलर, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपना इंजेक्शन मेहंदी सेट का ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी अवेलेबल है, 2 से 3 दिन में आपको आपके घर पर ही पार्सल रिसीव हो जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसका आंसर करना, और वो ये है कि क्या ब्राउन शुगर से अर्क बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल, शुगर शुगर होती है, वो वाइट शुगर हो या ब्राउन शुगर हो, तो ब्राउन शुगर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो अर्क जो है वो आप ब्राउन शुगर से भी बना सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है, जो मेरी इंडिया की ऑडियंस है वो ये पूछ रही होती है कि क्या इंडिया में इंजेक्शन मेहंदी सेट की डिलीवरी अवेलेबल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। एंड सेकेंडली, आप सबसे माजत खां हूँ क्योंकि इंडिया में जो इंजेक्शन मेहंदी की डिलीवरी है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी कोरियर कंपनी जो है ना वो इंडिया में डिलीवरी नहीं कर रही। तो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही कोई कोरियर कंपनी डिलीवरी करेगी तो इंशाल्लाह मैं वीडियो में ज़रूर है ना वो मेंशन कर दूंगी। तो लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो ये है कि आप इतनी बिजी रूटीन में वीडियोस को कैसे मैनेज करती हैं, अपने चैनल को किस तरह से आप मैनेज करती हैं? तो बेसिकली ऐसा है कि टाइम निकालना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो जब मेरी रूटीन बिजी होती है, उससे पहले मैंने अपनी वीडियोस का कंटेंट, जो आइडियाज़ मैंने रखे होते हैं उनको पहले से मैं कंटेंट को बना लेती हूँ, डिज़ाइनिंग को, जो भी मैंने बनानी होती है उसको मैं पहले से रेडी कर लेती हूँ। और डे में या नाइट में मुझे जो भी टाइम मिलता है और जो टाइम मेरे लिए सूटेबल हो सकता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उसमें वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बाकी ये है कि डिपेंड करता है कि आपको अपने काम से कितना प्यार है। जब आपको अपने काम से प्यार होता है और आपकी लगन होती है तो टाइम निकल ही आता है। तो आप सब इस तरह से सपोर्ट करते रहें और मैं आप सबके लिए इसी तरह से वीडियोज़ बनाती रहा करूँगी। और गाइज, ये थी आज की Q&A वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।